तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे थे सीआरपीएफ से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड आने लग गए हैं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहे। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि जो सीआरपीएफ का एग्जाम हो कब होगा और कहाँ पर बनाए गए सेंटर, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे आएंगे एडमिट कार्ड, क्या रहेगा सिलेबस, ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में सभी कुछ। सीआरपीएफ की एग्जाम डेट मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। जो सीआरपीएफ की एडमिट जो एग्जाम डेट है वो 20 दिसंबर रहेगी। जी हाँ, 20 दिसंबर को सीआरपीएफ का एग्जाम होगा। ये आप देख पा रहे होंगे सीआरपीएफ की जो ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है। आप डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन को देखिए, क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन को देख लीजिए। 20 दिसंबर को आपकी एग्जाम होगी और ये सीआरपीएफ के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं देख लीजिए आप, हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके नहीं डाले गए हैं, ऑफलाइन आपके घर तक एडमिट कार्ड पहुँचाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप एक बार पोस्ट ऑफिस जाके चेक जरूर कर ले। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर की। तो आपको बता दूं, आपने जो भी फॉर्म में फिल किया है, तीन सेंटर आपसे पूछे गए थे, तीनों सेंटर आपने जो भी फिल किए हैं, आशा करता हूँ कि सबसे पहले जो पहला जो सेंटर होगा वही आपका सेंटर आ जाएगा। तीन सेंटर आपको फिल करने थे और तीन सेंटर आपने फिल किए हैं और उनमें से जो पहला सेंटर है वहीं पर आपका सेंटर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके जल्दी एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, आप तैयारी अपनी करते रहिए। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए गए हैं, 9 सेंटर बनाए गए हैं पूरे इंडिया के अंदर। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर एंड पालीपुरम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेंटर है वो बनाए गए हैं, यहीं पर आपके जो सेंटर वो आने वाले हैं, क्योंकि तीन आपने सेंटर चूज किए वहीं पर आपके ज़्यादा चांसेज है कि जो पहला जो आपने सेंटर चूज किया है वहीं पर आपको सेंटर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम वो स्टेज वाइज होगा, कैसे होगा देख लीजिए। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पहले जो हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट है वो होगा, और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों साथ में होंगे जो 14 तारीख को होंगे। जो भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है 14 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है, जो सेंटर आपको दिया जाता है। रिपोर्टिंग टाइम भी आपको साथ में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको जाना है। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एडमिट कार्ड। ओके, पीएसटी और पीईटी, जो पीएसटी और पीईटी है वो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे आप फाइट कर ले तो पीएसटी एंड पीईटी। और फ्रेंड्स, आप जरूर ध्यान रखें इस चीज़ का, जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको वहाँ पर भी बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा, आपको फोटो कॉपीज साथ में लेके जानी है, फोटोज आपको साथ में लेके जानी है। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको फोटो कॉपीज साथ में लेके जरूर जानी है। हो सकता है जब आपका रिटर्न एग्जाम हो तब आपसे जो ओरिजिनल है आधार कार्ड वगैरह वो तो आपको लेके जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिएंगे कहाँ पर, जब आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम, तो आप फोटो कॉपीज तो अपने साथ में लेके जाए, साथ में आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है, 5 फोटो आपको साथ में लेके जानी, वो भी मैं आपको आगे बता दूँ। स्टेज सेकेंड, देखिए जो स्टेज सेकेंड है वो पीएसटी और पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए बनाएगी, यानी कि जो भी पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं उनके बाद उनको एडमिट कार्ड इश्यू होंगे और उन्हीं एडमिट कार्ड से उनका रिटर्न एग्जाम होगा। फ्रेंड्स, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के दौरान आपका पेपर 2 घंटे का होगा और 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। बाकी आप नेगेटिव मार्किंग वगैरह है वो आप पेपर पे जरूर देख लेना, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप पेपर पे जरूर देख लेना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो पार्ट ए का पेपर बनेगा देख लीजिए। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का भी। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रहेंशन इनके भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जा सकते, जो हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, बता दूँ जो पार्ट बी है उसके अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है, जो आपका प्रोफेशन है, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके आईटीआई होंगे, और जो
नर्सिंग कर रखे हैं उनके नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका ट्रेड होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड जो ग्रामर है हिंदी और इंग्लिश उनसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 50 क्वेश्चन वो भी 50 नंबर के होंगे। दोनों का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं, तो ये 2 पार्ट में आपको पेपर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ट्रेड टेस्ट, स्टेज 3 में ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रेड टेस्ट आप बोल सकते हो एक तरह से इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान देखिए 10 नंबर आपको जो भी इक्विपमेंट वगैरह है उनका पता होना चाहिए आपको, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर उनके मिलेंगे आपको, और साथ ही उनका नॉलेज भी होना चाहिए ये इक्विपमेंट है वो किस में यूज लिया जाता है। आपको एक तरह से इंटरव्यू हो रहा है। तो 10 और 5 15 नंबर के ये हो गए। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस के 5 नंबर होंगे टोटल, ये 20 नंबर आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है 5 नंबर मिलेंगे, जिसको 4 साल का है 4 नंबर मिलेंगे, जिसको 3 साल का है उसको 3 नंबर मिलेंगे, जिसको 2 साल का है उसको 2 नंबर मिलेंगे, और जिसको 1 साल का है उसको 1 नंबर मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं जब आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग हो रही हो। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पर ज़रूर लेके जाने हैं। एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, टेक्निकल जो भी है, जो आपको साथ में ओरिजिनल लेके जाने होंगे। साथ में आपको बता दूँ जो रैंक है एस, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, जो सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, ये सभी की अलग अलग दी गई है। तो आप देख लीजिए जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, क्योंकि 20 में से आपके 10 नंबर आने ही आने चाहिए। जो ओबीसी एससी एसटी है उनके 20 में से 9 नंबर आने ही आने चाहिए। फ्रेंड्स आगे अलग बात दी गई है, जो कांस्टेबल है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग दी गई है 8 नंबर और 7 नंबर, वो भी एक कैटेगरी के अनुसार ही उनको दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इतने नंबर तो आपको लाने हैं 20 में से जो भी मैंने बताया है। 10 नंबर इक्विपमेंट आपको पूछे जाएंगे, टूल्स जो भी आपको पूछे जाएंगे, यानी कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे असेस किया जाएगा। तो उसके 15 नंबर आपको मिलेंगे, साथ ही जो 5 नंबर वो एक्सपीरियंस के मिलेंगे। तो आपको अगर 1 साल का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आपको एक्सपीरियंस 2 साल का है तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप वो ध्यान रखें, टोटल आपके 9 नंबर आने चाहिए, जो भी ओबीसी एससी एसटी के हैं उनके 9 नंबर आने चाहिए, जो भी यूआर ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विस मैन है उनके 20 में से 10 नंबर आने चाहिए। ये रही सिलेबस की बात। ओके नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड कैसे आएगा। देख लीजिए ये आपके सामने एडमिट कार्ड आ चुका है, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका नाम आएगा, साथ ही पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो लिखा हुआ आएगा, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, फादर्स नेम आपको मिल जाएगा, साथ ही जेंडर कैटेगरी एंड DOB, ये हो गया यहाँ तक। फोटो आपकी जो भी ब्लैक एंड येलो कलर में ब्लैक एंड किया हुआ है वहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, और लास्ट में ये लिखा हुआ आएगा जो रोल नंबर है वो आपको मिल जाएंगे, साथ ही एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर आपको सेंटर दिया जाता है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे टेलीफोन नंबर और जो सेंटर है उसकी ईमेल आईडी भी आपको साथ में दी जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 14 दिसंबर 2020, टाइम दिया हुआ है 6:30 बजे। यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट आपका एडमिट कार्ड जब भी आएगा वहाँ पर आप एक बार और ज़रूर देखें। COVID-19 के रिगार्डिंग भी उसमें कुछ बातें लिखी हुई है 4-5, आप देख लेना। मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथ वगैरह है उसको सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी है वो बनाए रखना है। तो ये कुछ आपको जो COVID-19 के नियम है वो आपको पालन करने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी CRPF के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे उनको भी पता चल सके।